बटर को उबाल लिया है, अब हम इसके एक बाउल पर ट्रांसफर करते हैं और इस पर अब हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा। अब इसमें हम मैदा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, हमने एक पूरा नींबू का रस डाला इसमें। तो इसमें हम डालेंगे क्रिस्पी कॉर्न जिसको हमने मैदा में कोट कर लिया। हम इसको इसलिए छाट रहे हैं क्योंकि इसको मैदा अलग हो गया। ऐसे ही करके सबको निकाल लेंगे। और इसके लिए हमने लिया है थोड़ी शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और धनिया। ये सबको अभी हम फ्राई करेंगे और उसके बाद क्रिस्पी कॉर्न डालेंगे एंड देन उसके बाद की रेसिपी आपको दिखाते हैं। हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, इसमें डालेंगे मिर्च और अदरक और मिर्च। इसमें हम डालेंगे प्याज, अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, दोनों काट लेंगे। हमने जो कॉर्न तल के रखे थे अब उसको हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, इसमें डालेंगे हम सॉस। तो ये तैयार हो गया हमारा क्रिस्पी कॉर्न।